जय श्री राम भाई, सारे भाइयों ने भाई बहुत बड़े भाई आगे मैसेज आ रहे हैं डाइट से रिलेटेड और वर्कआउट से रिलेटेड मैसेज आते रहो कि भाई के डाइट ले वहाँ के वर्कआउट करा गेनिंग से रिलेटेड भी और वेट लॉस से रिलेटेड भी। तो भाई मैं चाहूँ कि देखो मैं फिट हूँ तो मेरे भाई भी सारे भाई सारे दोस्त सब फिट रहे हैं और सब अपने अपने जो बॉडी से रिलेटेड गोल्स हैं सब अपने अपने अचीव करें। तो भाई मैं कल तक जितना पॉसिबल होगा मेरा जितना भी वर्कआउट है या जो भी डाइट है जो भी मैं वो करूँगा कि डाइट में जो कंटेन करूँगा जो वर्कआउट करूँगा मैं जितना पॉसिबल होगा मैं सब अपना यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा वीडियो की फॉर्म में और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करूँगा तो सारे भाई वहाँ पर फॉलो कर सको। और भाई मेन बात है कि अपन जो जो चीज़ नहीं खानी पीनी या जो जो नहीं फॉलो करनी वो चीज़ ये रहूँगी कि अपन बिल्कुल भी शुगर कंटेन नहीं करनी अपनी बॉडी में, उसने चाहे गेनिंग करनी हो चाहे लॉस करना हो, क्योंकि भाई अपनी जो जनरेशन है ना वो मोस्टली हर चीज़ में जितने भी पैक्ड फूड आए हैं या फिर नॉर्मली जो कुछ भी खाओ है एक नॉर्मल तो नॉर्मल बिस्कुट तक लगा लो जिसमें कि शुगर हो है और तो अपन शुगर कंटेन नहीं करनी और फैट कंटेन नहीं करना। भाई फैट कंटेन करना है कि जो सैचुरेटेड फैट हो वो कुछ क्वांटिटी में, यूँ नहीं कि वो भी अनलिमिटेड। और सैचुरेटेड फैट भाई मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए पनीर हो गया या फिर दूध हो गया या घी हो गया इनमें होगा। इसका अलावा फास्ट फूड जितना भी या फ्राइड फूड होगा जितना भी वो सब अवॉइड करना, पैक्ड फूड जितना भी होगा वो सब अवॉइड करना है। ये सब भाई डाइट की बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अल्कोहल वगैरह और स्मोकिंग वगैरह भी अपन ने नहीं कंटेन करनी है, ये कुछ वो चीज़ होंगी कि जो कि अपन यूज नहीं करनी है। इसके बाद भाई जो चीज़ अपन जरूर फॉलो करनी है वो भाई सबसे पहले नीड हो है कि अपन अपनी बॉडी ने रेस्ट मिलना चाहिए। तो रेस्ट कम से कम अगर कोई भी बंदा एक्सरसाइज करे है और मसल गेन करे है या फिर लॉस करे है तो कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी हो भाई। तो सबसे पहले तो जरूरी होगा कि 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद पूरी करेंगे। उसके बाद होगा कि आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट भी अपना पूरा मन लगा कर करेंगे, अपनी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसमें वर्कआउट करेंगे। और उसके बाद वर्कआउट के बाद भाई मेन चीज़ होगी कि हाई प्रोटीन डाइट। आप वर्कआउट करके जब अपनी मसल के जो टिश्यू हो उनमें उसके बाद में रिकवर करने की प्रोटीन की नीड हो, प्रोटीन और कार्ब्स, तो आप हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स हाई डाइट ले होंगे। जो भाई डाइट वगैरह मैं भी फॉलो करूँगा सब कुछ तो वो मैं डेली की डेली अपने इस पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और यहाँ पर भी करेंगे। और अपना भाई मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रहो है तो उसकी भी आप वीडियो बना कर अपलोड करते रहोगे। तो भाई जो जो भाई फॉलो करे वो अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो। और कल तक ही कल सारे दिन का मैं व्लॉग बना के शाम में जितनी जल्दी होगा कि वर्कआउट खत्म होगा सोने का टाइम था पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो भी भाई फॉलो करते हो तो कल शाम में देख कर परसों तो आपने स्टार्ट कर सको। और भाई मैं चाहूँगा कि सारे भाई फॉलो करें, सारे भाई फिट रहें, क्योंकि भाई आज के टाइम में एक हेल्दी लाइफ जीना भी बहुत वो है तब का काम है, क्योंकि सब दौरे रुपया भी है सब दौरे सारी चीज़ें, लेकिन मेन इशू सबके साथ ये है कि जिसके दौरे रुपया है या जिसके दौर कुछ भी नहीं फिर भी सबका मेन इशू ये हो रहा कि हेल्थ मेंटेन रखना भाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम और अपने यूथ में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अपना खान पान भी बहुत चेंज हो जाएगा। अपने खाने पीने भी हर जगह भी फर्टिलाइजर यूज़ होने लगे कि ठीक है आप कुछ भी खावा तो सब में कुछ ना कुछ मेडिसिन वगैरह यूज होगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई और सारे भाई फिट रहो। सब ने जय श्री राम भाई।